हेलो एवरीवन, चलिए बनाते हैं मिर्चों वाली निमकी। जी हाँ, मैंने इसे थोड़ा सा तीखा बनाने के लिए या तीखा दिखाने के लिए इसमें चिली फ्लेक्स इस्तेमाल किया है, और इसकी वजह से इस मिर्च का टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही चेंज हो जाता है, और ये रेगुलर निमकी से बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगता है, बहुत ज़्यादा खुशबूदार लगता है। तो चलिए बनाते हैं मिर्चों वाली निमकी। तो सबसे पहले हमने 250 ml वाले मेजरिंग कप से एक कप आटा लिया है। ये रेगुलर आटा है जिसकी रोज़ हम चपातियाँ बनाते हैं। तो एक कप आटा ले लेना है, और अब इसमें दूसरी चीज़ें डालना है। अब चिल्ली के फ्लेवर और टेस्ट के लिए हम इसमें 1/2 टीस्पून चिल्ली फ्लेक्स डाल रहे हैं। यहाँ पर रेड चिल्ली पाउडर भी डाला जा सकता है, मगर उससे आपकी निमकी तीखी हो जाएगी। और यहाँ हमें निमकी को तीखा नहीं करना है, बस उसे थोड़ा सा स्पाइसी दिखाना है। 1/4 टीस्पून हमने नमक लिया है। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले लें। अब 1/4 टीस्पून ही हम इसमें मंगरेला डालने वाले हैं। इसे ब्लैक सीड्स या अनियन सीड्स भी कहते हैं, आप इसे जो कहते हैं वही कहें। हमारे यहाँ लोकल जबान में इसे मंगरेला कहते हैं। अब इसमें मोयन के लिए हमें घी डालना है। यहाँ पर हम इसमें एक गढ़ा बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम 1 टेबलस्पून भरकर घी डाल रहे हैं, और इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। अब इसे हम ठंडे पानी का छींटा डालते हुए, थोड़ा थोड़ा करके डालते हुए इसे गूंद लेंगे, और थोड़ा टाइट आटा बनाएंगे। ठंडा पानी क्यों इस्तेमाल करना है इसे हम आगे बताने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर 150 ml वाली कप में 1 कप ठंडा पानी लिया है, और अब थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसे गूंद लेना है। ध्यान रहे कि एक बार हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, वरना हो सकता है कि ये पिलपिला हो जाए। इस तरह से हमें एक टाइट डो बना लेना है, और इसे 15 से 20 मिनट तक रेस्ट पर छोड़ देना है। बीस मिनट के बाद आटा बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये थोड़ा कड़क सा आटा है, और अब इसकी निमकियाँ काटने के लिए ये बिल्कुल रेडी है। अब 5 इंच के डायमीटर में मैंने इसे बेल लिया है, और अब इसकी पतली स्लाइसेस करने के बाद हमें इसे निमकी का शेप देना है। आप देख सकते हैं कि इस पर मिर्चों की बड़ी अच्छी सी चित्रकारी दिख रही है, और ये टेस्टी भी होता है, और इसका स्मेल भी बहुत अच्छा होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने इसे ठंडे पानी से एक पर्पस की वजह से सांधा है, तो वो पर्पस ये है कि जब आप आटे को ठंडे पानी से सानते हैं या जब उसका डो बनाते हैं, तो निमकी का टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है, और जब आप उसे गरम तेल में डालते हैं तो निमकी को तैयार होने में काफ़ी वक्त लगता है, और निमकी जितनी देर तक तेल में पड़ी रहेगी वो उतनी देर तक क्रिस्प होती रहेगी, और क्रिस्प होने की वजह से इसका जायका काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसीलिए मैंने इसे ठंडे पानी से गूंधा था। अब आप देख सकते हैं कि मैं इसे इस तरह से काटने वाली हूँ, और इस तरह से काटने से जो इसके साइड का हिस्सा होता है वो बहुत ही क्रिस्प तैयार होता है। ये इस तरह से जो पॉकेट्स बन गए हैं, तो तलने के बाद वो बहुत ही क्रिस्प होगा। तो इसी तरह से काटने से निमकियों में जायका भी बढ़ता है और क्रिस्पनेस भी बढ़ जाता है। तो चलिए, हमने यहाँ पर फर्स्ट बैच काट कर तैयार कर लिया है, और इसको तलने के लिए मैंने कढ़ाही में तेल गर्म कर लिया है। तो चलिए इसे हम तलते हैं। अब इस गर्म तेल में कटी हुई निमकी को डाल देना है, और आँच बिल्कुल धीमा से थोड़ा ही ऊँचा रखना है, ताकि निमकी को
तलने में कुछ वक्त लगे और इसे कम से कम 30 से 40 सेकंड तक बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना है। धीमे धीमे आप देख सकते हैं कि निमकी में कितना क्रिस्पनेस आ रहा है, इसकी किनारियां बिल्कुल अलग अलग हो रही हैं, तो ये पता चलता है कि काफ़ी खस्ता बनने वाली है। और अभी लगभग 1.5 से 2 मिनट हुआ होगा, आप देख सकते हैं, देखिए ये बिल्कुल जो खिला खिला सा हो रहा है, इसके मतलब है कि ये काफ़ी खस्ता बन रहा है। लाजवाब निमकी बनकर तैयार होती है और बहुत ही आसान है इसे बनाना। सिर्फ 4-5 इंग्रेडिएंट्स से, जो आमतौर से सबके घर में मौजूद होता है, उसी से ये तैयार हो जाती है। तो अब ये लगभग तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी क्रिस्पी दिख भी रहा है और इसकी आवाज़ से भी अंदाज़ा हो रहा है कि ये रेडी हो चुका है। हमारी ये गर्मा गर्म मिर्चों वाली क्रिस्पी सी निमकी बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आपने इसे एंजॉय किया हो, आपको पसंद आई हो, तो इसे ज़रूर बनाएं, खाएं और खिलाएं, और फिर हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये मिर्चों वाली निमकी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।